मेरे वालों सारिया नू प्यार भरी सत श्री अकाल। बलविंदर की रसोई में तुहाडा सब का स्वागत है। अज असी बनावांगे चौलां दीयां फुलवड़ियां। जे तुसी एक बार चौलां दीयां फुलवड़ियां बना के खा लईयां ते बच्चे बाजार के कुरकरे खाना भुल जाणगे, क्योंकि ये बहुत ही कुरकरी दे टेस्टी बन के तैयार हुंदियां ने। चौलां दीयां फुलवड़ियां बनाउण वास्ते आ असी एक कटोरी चौलां दी लईए। चौलां नू असी तीन चार पानी धो के ते 2 घंटे पहलां भिओ के रख लिया सी, ते असी हुण फुलवड़ियां बनाउणियां शुरू करने आ। एक कटोरी असी चावल ले सन ते असी 5 कटोरियां पानी दीयां पा देंगे। इहदे विच पा देंगे असी 1 चम्मच जीरे का, ते टेस्ट अनुसार तुसी नमक पायो। असी 1 चम्मच पाउण लगे हां। कलर वास्ते थोड़ी जी असी हल्दी पा देंगे तां जो कुरकुरियां दा रंग बहुत वधिया आवे। आ जिहड़े चावल धोते सन असी इहनां नूं हत्थां नाल चंगी तरह मसल लिया ते बिल्कुल टुकड़े चावलां वर्गे हो गए। ढक्कन ला के ते असी इहदियां 4 तों 5 विसलां करवा देंगे। 5 विसलां हो गईयां ने ते कुकर नूं खोल के असी चैक कर लैंदे हां। देखो चौल साढ़े पक गए ने। इस तरह असी घोटने दे नाल जिहड़े थोड़े बहुते चौलां दे दाने दिसदे ने असी उहनां नूं वी मसल के बिल्कुल समूथ जिहा बना लांगे। जिहड़े चौलां दे थोड़े बहुते दाने सन वेखो पूरी तरह मैश हो गए ने। वेखो इस तरह का बनाना बिल्कुल गाढ़ा जिहा पेस्ट। असी उन्ना उन्ना ही मिक्सचर नूं ठंडा करांगे जिन्ना जिन्ना असी बनाना होएगा, क्योंकि जे ठंडा हो जाए तो फिर ये पापड़ी जी जम जाती चौलों के उत्ते। बाकी असी ढक देंगे तरह असी इन फैला के ठंडा कर लाँगे। इस तरह का पोलोथीन लिया है, इनू मैं चंगी तरह धो के साफ कर लिया है। जे थोड़े को इस तरह का पोलोथीन ना हो तुसी जिहड़ा रिफाइंड वाला घ्यो वाला पोलोथीन आउंदा जां कोई दालां वाले आउंदे ने तुसी ओह भी यूज कर सकते हो। जिहड़े चौल साढ़े ठंडे हो गए ने पोलोथीन लिया सी इहदे विच पा दिंदे ते इस तरह असी इहनूं बाहर कढ लांगे। इस तरह फड़ के तां दे असी एक केप जी बना लांगे। इहदे उत्ते असी रबड़ पा दिंदे आ। इस तरह असी इहदी थोड़ी जी कटिंग कर दिंदे आ। तुहानूं बनाउणा दिखाउंदे आ किस तरह बनाउंदे ने। तुसी चाहो ते इहदा तुसी डिजाइन भी बना सकदे हो। इस तरह जलेबियां वाली शेप भी दे सकते हो। असी तो इन्हां नूं चौलां दीयां फुलवड़ियां कहिंदे आ। तुसी कमेंट करके दस्सिओ कि तुसी इन्हां नूं की कहिंदे हो ते तुहाडे इलाके च किस तरह बनदियां ने, तुसी कमेंट करके जरूर दस्सिओ। जे तुहानूं अज दी रेसिपी वधिया लगी होई तुसी लाइक करिओ। जे चैनल ते पहली वारी आए तो सबसक्राइब भी करिओ। इस करके लम्मियां बनाईयां जदों ये सुकणगियां ना फिर ये अपने आप छोटे पीस हो जाणगे। सारियां फुलवड़ियां बना के ते असी तैयार कर लईयां ने। वेखो इस तरह भी डिजाइन बनाया। हुण तुहानूं 2 दिन बाद दिखावांगे जे सुकणगियां, फिर तुहानूं फ्राई करके भी दिखावांगे ते सुकियां भी दिखावांगे भी सुक के किस तरह दीआं बणदीआं ने ते फिर फ्राई करके किस तरह बणदीआं ने, ते फिर मिलने असीं तुहानूं 2 दिन बाद। फुलवड़ियां साडियां सुक गईआं इस तरह अपने आप ही उतर गईआं ने ते असीं हुण तुहानूं तल के विखाउंदे आं। 1 कटोरी चावलां तों साडे इन्ने वड़ियां फुलवड़ियां बण के तैयार हो गईआं ने। असीं हुण फुलवड़ियां नूं फ्राई करने आं। इस तरह असीं तेल दे विच पा देंगे। झटपट बन के ही तैयार हो जाए ने। तो तुसी भी इस रेसिपी नूं अपने घर बना के जरूर ट्राई करियो। तो ये तुसी रेसिपी एक बार बना के खा ली तो बच्चे दे कुरकुरे खाना भी भुल जाएंगे। जे रेसिपी वधिया लगी
ते तुसी कमेंट करके भी जरूर दस्यो कि अज दी फुलवड़ियां दी जां तुसी कुरकुरे कह लो इन्हां दी रेसिपी तुहानू किवें दी लगी। ते सारे ही इस तरह ही फुलवड़ियां तल के ते असीं तैयार कर लांगे। चौलां दीआं फुलवड़ियां साडीआं बण के तैयार ने ते वेखो किन्नीआं कुरकुरियां बणीआं ने। वेखो रेसिपी वधिया लगी होई ते तुसी कमेंट करके जरूर फिर मिलांगे एक नवी रेसिपी दे नाल। तद तक लई बाय बाय।